हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कमल और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान सी ट्रिक दुपट्टे में लेस को अटैच करने के लिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए जो है हमें दुपट्टे को सीधा ही रखना है और ये वाली मैं गोल्डन लेस ही यूज़ कर रही हूँ जो इस तरह से हमारी लगेगी। लगने के बाद तो हमें क्या करना है कि हमारी लेस की उल्टी साइड जो और जो फैब्रिक की हमारी उल्टी साइड है वो एक तरफ होनी चाहिए और मैं कॉर्नर से थोड़ा पीछे की तरफ से ही लेस को अटैच करना शुरू कर रही हूँ। तो देखिए, दोनों फैब्रिक और लेस की उल्टी साइड एक तरफ है और जो सीधी साइड है दोनों की बाहर की तरफ है। तो हमें इसी तरह से फैब्रिक को रखते हुए अटैच कर लेना है और जहाँ पे हमारा कॉर्नर आया वहाँ पे हमें एंड तक सिलाई लगानी है फैब्रिक पे। तो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ अभी। तो अभी हमें मापना है कि हमारी जो लेस की विड्थ कितनी है और उतना ही हमें मार्क लगाना है लेस के ऊपर। और जहाँ तक हमने फैब्रिक के एंड तक सिलाई लगाई है उस सिलाई को और जो हमने निशान लगाया है उसको एक बराबर करना है और ऊपर से हमें लेस को बढ़ाना है ऊपर की तरफ से। और जहाँ से हमारी सिलाई है और ऊपर वाली सिलाई है उसी सिलाई से हमें शुरू कर देनी है सिलाई लगाना। तो इसी तरह हमें एंड तक सिलाई लगानी है दूसरे कॉर्नर तक। और सेम हम फैब्रिक को एंड तक अटैच कर लेंगे जितने मार्जिन से हमें सिलाई लगानी है। तो मैंने मशीन को पीछे किया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो जितनी हमारी लेस है उसको उतना मेजर करना है और उसके ऊपर उतने ही विड्थ में निशान लगा देना है। जैसे कि ये 1 इंच से 2 पॉइंट कम थी तो हमें ऐसे ही मार्क करना है। और जो हमारी सिलाई है फ्रेंड्स ऊपर फैब्रिक पे, उस सिलाई को और उस निशान को एक तरफ मिलाना है और लेस को ऊपर की तरफ बढ़ा देना है और उसी सिलाई से हमें फिर से सिलाई लगाना शुरू कर देना है। और फ्रेंड्स, इस मेथड से अगर आप लेस को अटैच करते हैं तो बहुत ही परफेक्टली और ब्यूटीफुल से ये लेस को अटैच हो जाती है और हमारा दुपट्टा भी बल नहीं पड़ते हैं लेस वाले जहाँ पे हमने लेस लगाई है। तो बहुत ही आसान तरीका है। और सेम हम इसी कॉर्नर पे भी जितनी हमारी लेस की विड्थ है उसके अकॉर्डिंग मार्क लगाएंगे, लेस को उस मार्क तक रखेंगे जहाँ तक हमारी सिलाई है और फिर से हमें उसी सिलाई के ऊपर से हमें सिलाई शुरू कर देनी है। तो ये वाला जो ट्रिक है ये आपको सारे कॉर्नर्स पे करनी है, बहुत ही ईजी है। सेम इसी तरह से हम लेस को ऊपर बढ़ा के हमारे जो है चारों कॉर्नर पे हमने इसी तरह लेस को टर्न किया है और सिंपली दूसरी तरफ से हमें सिंपली रखना है। और यहाँ से हमारी लेस शुरू की थी वहां तक हमें इस लेस को कट करना है, क्योंकि थोड़ी सी हमें बढ़ाकर कट करनी है क्योंकि ये हम ओवरलैप करेंगे। इस तरह से हमें फोल्ड करना है एक पार्ट को लेस के और ओवरलैप करते हुए फिर से हम सिलाई लगा के इसे अटैच कर देंगे। और देखिए, अभी हम इस लेस को सीधी तरफ टर्न करेंगे इस तरह से दोनों साइड से। और जहाँ पे हमारा कॉर्नर है लेस बढ़ाई थी उसे हमें नीचे की तरफ से इसी तरह से नीचे की तरफ करना है। तो देखिए कितना परफेक्टली हमारा कॉर्नर बन गया है। और अब हम इसी कॉर्नर के ऊपर से सिलाई लगा के इसे सेट कर लेंगे फैब्रिक को। और अब हम दुपट्टे के ऑल अराउंड इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। हम ऊपर जो टॉप पार्ट है हमारी लेस का वहां पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए, इसी तरह हम लेस को नीचे की तरफ कर देंगे टर्न और कॉर्नर बना लेंगे परफेक्टली। तो देखिए कितना इजी तरीका है। इस तरह से आप भी लेस को अच्छे से लगा सकती हैं अपने दुपट्टे में। सो फ्रेंड, इसी ये जो दुपट्टा है ये मैंने अनारकली के साथ ही रेडी किया था। सेम लेस मैंने अनारकली में भी यूज़ की है उसकी फ्रॉक के घेर में। तो अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में विजिट करके भी देख सकते हैं और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी उस वीडियो का लिंक। मैं आपको पिन भी कर दूंगी कमेंट में, तो आप जरूर देखिएगा वो वीडियो भी। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल से हमारे कॉर्नर्स रेडी हुए हैं और कोई भी हमारे बल नहीं पड़ा है फैब्रिक पे। आप चाहे कोई भी फैब्रिक का दुपट्टा हो, लेस इसी तरह से परफेक्टली ही बैठेगी। और फ्रेंड, चाहे आप कोई ड्रेस रेडी कर रहे हो, चाहे आप सूट रेडी कर रहे हो, अगर आपको उसके साथ दुपट्टा आपने अच्छे से नहीं रेडी किया तो वो सूट की ग्रेस भी नहीं आती है। तो आप इस तरह से अच्छे से ब्यूटीफुल सी लेस लगा सकते हैं अपने दुपट्टे को और स्टाइल कर सकते हैं किसी भी ड्रेसेस के साथ। तो फ्रेंड्स, ये जो है हम जहाँ पे हमारा ज्वाइंट है लेस का वो आ गया है और अभी हमें यहाँ पे भी लेस को दबा देना है। और ये देखिए बिल्कुल पता भी नहीं लगा यहाँ पे हमारा ज्वाइंट था लेस का। तो
तो ये लेस अभी लग गई है। और आपको ये वाला मेथड और ट्रिक कैसी लगी लेस अटैच करने के लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और अगर आप इंस्टा और फेसबुक पे हैं तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए कितने ब्यूटीफुल से कॉर्नर हमारे बन गए हैं, लेस के साथ परफेक्टली से अटैच हो गई है लेस और दुपट्टा भी रेडी हो गया है। और तो इस ड्रेस का कंप्लीट लुक की वीडियो भी मैंने पोस्ट की हुई है, और मैंने अनारकली की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो भी पोस्ट की हुई है, आप शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। तो इसी तरह से मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।